मेरे सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीआरओ स्टोरकीपर रिटर्न टेस्ट क्लास 20 के बारे में। फ्रेंड्स 19 तक क्लास हो चुकी है और फ्रेंड्स आप सभी ने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, फिर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्लास 20 के बारे में, उसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7891781706 पर संपर्क कर सकता है। फ्रेंड्स जो भी फीस है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आगामी नए नोटिफिकेशन बीआरओ संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमने पीडीएफ ओपन कर लिए, इसमें आपको आज मिलेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रश्न आपको आंसर सहित मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक की बात कर ले फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन विधि नहीं है? ऑप्शन ए ओ फीफो एक्स, ऑप्शन बी ओ लिफो, ऑप्शन सी ओ भारित औसत, ऑप्शन डी ई ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर एक की बात कर ले तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ओ क्यू। फ्रेंड्स मैंने पहले ये क्वेश्चन बता दिया ई ओ क्यू समीकरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दो, कारखाने के श्रमिकों को दिए गए मजदूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ श्रमिक प्रीमियम, ऑप्शन बी ओ ओवर टाइम प्रीमियम, ऑप्शन सी ओ कारखाना प्रीमियम, ऑप्शन डी मजदूरी प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर दो की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ओवर टाइम प्रीमियम। फ्रेंड्स आप सभी सोच रहे होंगे कि ओवर टाइम कैसे होगा, ओवर टाइम तो होता है जो अपना टाइम होता है उसके बाद जो भी काम किया जाता है ओवर टाइम होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका राइट आंसर ओवर टाइम प्रीमियम होता है। प्रीमियम शब्द ये लगा हुआ है फ्रेंड्स, इस कारण ये ओवर टाइम प्रीमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत जो विशिष्ट लागत वस्तु और आर्थिक रूप से खाली स्थान पता लगाने योग्य से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लागत बी, ऑप्शन बी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन मिस हो गया है। ओके फ्रेंड्स ऑप्शन सी ऑनलाइन कोस्टेक्स, ऑप्शन डी ओ स्टाफ लागत। क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लागत बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की बात कर ले फ्रेंड्स, सामग्री या जिस चीज़ के लिए लागत मापी जाती है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ माप वस्तु एक्स, ऑप्शन बी लागत वस्तु बनाम, ऑप्शन सी ओ लेखा वस्तु एक्स, ऑप्शन डी ओ वस्तु के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लागत वस्तु बनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात कर ले फ्रेंड्स, लागत जो कि कुल आयतन के अनुपात में बदली जाती है कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ निश्चित लागत, ऑप्शन बी परिवर्तनीय कास्ट, ऑप्शन सी कुल कास्ट एक्स, ऑप्शन डी संक्रामक लागत। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय कास्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान लागत को ए ऑब्लिक ओ विशिष्ट गतिविधि के आधार पर तय या चर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए ओ समय अवधि दी जाती है, ऑप्शन बी आम गतिविधि, ऑप्शन सी एक्स, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर छः दो बार रिपीट हुआ बट आंसर क्वेश्चन अलग है, ठीक है, सीरियल नंबर दो बार रिपीट हुआ है। लागत जो अपवर्तित बनी हुई है उत्पादन की कुल मात्रा के स्तर के अनुपात में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए ओ कुल कोस्टेक्स, ऑप्शन बी ओ इम्फेटेबल कास्टेक्स, ऑप्शन सी निश्चित लागत, ऑप्शन डी ओ परिवर्तनीय कास्ट एक्स। क्वेश्चन नंबर छः का राइट आंसर हो जाएगा निश्चित लागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन, खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को समाप्त डिलीवरी अनुसूची के अनुसार चौंका देने वाली वस्तुओं में से किसी वस्तु की खरीद कहलाता है? ऑप्शन ए मौसमी खरीदारी, ऑप्शन बी हाथ से मुंह खरीदते हुए, ऑप्शन सी
अनुसूचित खरीदना, ऑप्शन डी निविदा खरीदना, ऑप्शन सी ऑप्शन ई सट्टा खरीदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुसूचित खरीदना, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, सही गुणवत्ता का सामान खरीदने का काम है सही मात्रा में, सही समय पर और सही कीमत पर, ऑप्शन ए आपूर्ति करना, ऑप्शन बी क्रय करना, ऑप्शन सी संविक्षा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले फ्रेंड्स, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सामग्रियों के ऑर्डर और उपयोग की योजना बनाने और इन लेन देन के दौरान शेयरों की निगरानी के लिए वैज्ञानिक तकनीकें कौन सी है? ऑप्शन ए MPS, ऑप्शन बी MRP, ऑप्शन सी BOM, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा MRP, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर ले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, वह समय जो पुनः पूर्ति आदेश जारी करने और दुकानों में सामग्री प्राप्त करने के बीच समाप्त होता है, ऑप्शन ए पुनः पूर्ति का समय, ऑप्शन बी लीड समय, ऑप्शन सी निष्क्रिय समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड समय। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, क्रय जिम्मेदारियों को खरीदना लिपिकीय और विभाजन में विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन ए पैकिंग, ऑप्शन बी यातायात, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी ऊपर का पालन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यातायात, ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापार चक्र मूल्य रुझान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक है, ऑप्शन ए माइक्रो फैक्टर, ऑप्शन बी मैक्रो फैक्टर्स, ऑप्शन सी नियंत्रणीय कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं आपको, मैं जो माइक्रो फैक्टर और मैक्रो फैक्टर है दोनों अलग अलग है, ठीक है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो फैक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, खालिस्तान जो कि फाइवर खरीदने का हिस्सा नहीं है, खालिस्तान जो कि फाइवर खरीदने का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए सही गुणवत्ता, ऑप्शन बी सही मात्रा, ऑप्शन सी सही स्रोत, ऑप्शन डी सही मूल्य, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो फाइवर खरीदने का हिस्सा इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते फ्रेंड्स, आवश्यकताओं के अनुसार खरीदना कहा जाता है, ऑप्शन ए मौसमी खरीदना, ऑप्शन बी हाथ से खरीदते हुए, ऑप्शन सी अनुसूचित खरीदना, ऑप्शन डी निविदा खरीदना, ऑप्शन ई सट्टा खरीदना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से खरीदते हुए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स, खालिस्तान वे मूल सामग्रियां हैं जो आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होने के बाद से किसी भी रूपांतरण से नहीं गुजरी है, ऑप्शन ए WIP, ऑप्शन बी कच्चा माल, ऑप्शन सी समाप्त भाग, ऑप्शन डी कार्य किए गए भाग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते, इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा माल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, कच्चे माल और WIP को एक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष सामग्री, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सामग्री, ऑप्शन सी तैयार सामग्री, ऑप्शन डी मानक भाग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, कोडीकरण द्वारा खालिस्तान, ऑप्शन ए लागत कम हो जाती है, ऑप्शन बी सामग्री का वर्गीकरण हो जाता है, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई भी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लागत कम हो जाती है, सामग्री का वर्गीकरण हो जाता है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले फ्रेंड्स, सामान्य परिचालन चक्र
कच्चे माल संरक्षण और भंडारण का प्रवाह है। ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी रख रखाव और सुरक्षा। फ्रेंड्स 18 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भंडारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बात कर ले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की। कुछ संगठनों में बोर्ड स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑप्शन ए सामग्री का, ऑप्शन बी एचआर का, ऑप्शन सी वित्त का, ऑप्शन डी बिक्री का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कुछ पारंपरिक तरीकों में उत्पादन या वित्त के तहत खालिस्तान। ऑप्शन ए बिक्री, ऑप्शन बी सामग्री, ऑप्शन सी डिज़ाइन, ऑप्शन डी एचआर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। ऑप्शन ए बेहतर, ऑप्शन बी अप्रचलित, ऑप्शन सी पहचान करना मुश्किल है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर है, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो कि एक बेहतर कोड है। ओके क्वेश्चन नंबर 22, कोडीकरण द्वारा खालिस्तान की निगरानी की जा सकती है। कोडीकरण द्वारा खालिस्तान की निगरानी की जा सकती है। ऑप्शन ए सामग्री मूवमेंट, सामग्री मूवमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपने सामग्री दी ली जो भी आपका होता है वो मूवमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन बी लोग प्रबंधन, ऑप्शन सी उत्पादन योजना, ऑप्शन डी गुणवत्ता नियंत्रण। फ्रेंड्स 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामग्री मूवमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, इन्वेंट्री खालिस्तान है। ऑप्शन ए आर्थिक मूल्य, ऑप्शन बी गैर आर्थिक मूल्य, ऑप्शन सी कोई मूल्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मूल्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, गतिशील जोखिम कारक में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए मांग का, ऑप्शन बी लेड टाइम का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मांग और लेड टाइम का परिवर्तन होता है, जो कि गतिशील जोखिम कारक है उसमें मांग और लीड टाइम का परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, कोडीकरण की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कोडीकरण की ओर जाता है। ऑप्शन ए कम काम का बोझ, ऑप्शन बी विनिर्माण समय में वृद्धि, ऑप्शन सी वृद्धि हुई लीड टाइम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम काम का बोझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को पीडीएफ लेना है तो फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 7891781706 पर संपर्क कर सकता है। फ्रेंड्स पीडीएफ की फीस हमने कुछ रखी हुई है, आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो आपका एसकेटी का एग्ज़ाम था वो 19 को होने वाला था, फ्रेंड्स वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब वो एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होने वाला है, 25 सितंबर को कुछ आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आप कुछ देख सकते हो फ्रेंड्स, और अच्छी तैयारी करिए फ्रेंड्स क्योंकि 31 का भी काफ़ी टाइम है, लगभग एक महीना प्लस है अभी, तो आराम से तैयारी करिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथियों, सभी को जय हिंद।